अरे अनिल, सोलंग वैली 10 किलोमीटर, मनाली 24, कुल्लू 63, मंडी, शिमला, चंडीगढ़, दिल्ली, बुंटर। तो दोस्तों, ये है सोलंग वैली। यहाँ पे रोपवे भी है और स्की सेंटर शायद ऊपर होगा। देखो सारे रोपवे ऊपर, अभी फिलहाल तो बंद है। तो ऐसा पूरा ग्राउंड बना है और यहाँ पे कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। खाने पीने के कई स्टॉल्स है यहाँ पे, और ATV बाइक राइड भी आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे शायद से ट्रैकिंग भी होगा। तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है तो बताता हूँ। तो ये जो घोड़े खच्चर आपको दिख रहे हैं, वो यहाँ से लेके जाते हैं आपको अंजनी महादेव मंदिर, जो वहाँ कहाँ पे ऊपर है ऐसा बता रहे हैं। तो ट्रैकिंग के जरिए भी जा सकते हो। और ये घोड़े खच्चर का है, 500 रुपया आना जाना, 15-20 मिनट लगता है जाने आने में ऐसा बता रहे थे भैया। और आपको वहाँ जितनी देर रुकना है वहाँ रुक सकते हो। ये हमने गाड़ी रखे रही और ये रुपये जाते हैं ऊपर। ऊपर एक बड़ा सा ग्राउंड है और पैराग्लाइडिंग ऊपर से ही करते हैं। और यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का ग्राउंड दिखा, वो लैंडिंग एरिया है पैराग्लाइडिंग वालों के लिए। ये है सोलंग वैली। सोलंग विलेज मेरे लेफ्ट साइड में जायंट स्विंग भी है और यहाँ पे भी एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये मनाली हम क्रॉस कर रहे हैं अभी। अभी मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे।
तो दोस्तों अभी हम लोग खड़े यहाँ पे खाना बनाने के लिए। पीछे व्यू देखो, पीछे बन रहा है खाना, ठीक है। ये हमने गाड़ी यहाँ पे खड़ी रखी है, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी ये रोड आ रहा है मनाली से, और अभी आगे जाएंगे। और हमने खिचड़ी बना दी थी फटाफट, पर जल्दी जल्दी में थे इसके लिए। अरे भाई यार, रोके तो सही है तूने। अभी पॉपकॉर्न फोड़ रहे अंदर। अरे अनिम, खिचड़ी रेडी हो गई है। अभी ये कुकर ठंडा होगा तब तक ये पॉपकॉर्न हम फोड़ रहे हैं, ठीक है। और प्याज वो सब रेडी हो गया है। ये माता जी का प्रसाद निकाला खाने के लिए, ये परमल है। तो ये थाली रखी हमारी, ये लाल मिर्च वाली चटनी, और पॉपकॉर्न फूट के रेडी हो गई अभी। और ये जार में भर दिया है, तो जैसे जैसे भूख लगेगी वैसे वैसे खाएंगे। वैसे आज मेरा फास्ट है ट्यूसडे का। ये खिचड़ी हमारी रेडी हो गई है, सादा वाला खिचड़ी है, मूंग दाल वाला। तो इसमें हमने हल्दी और नमक दो ही चीज़ डाले, और पानी, ठीक है। तो इसमें हमने चार सीटी लगाई है। और ये पॉपकॉर्न हो गया है, ये थोड़ा गर्म है इसलिए इसको बाद में रखेंगे। बाकी सब ये रहा मेरा खाना। अभी यहाँ तो वैसे तो छाँव नहीं है पूरे रोड में, मैं देख के आ रहा था, क्योंकि हमको आगे खिचड़ी बनाने का सोच रहे थे हम। पर इस साइड पूरा छाँव नहीं है, उस साइड प्रोटेक्शन वॉल है, तो इस वजह से। तो हमने यहाँ जगह मिली अच्छी खुली ओपन वाली, तो हमने यहाँ एक खिचड़ी बना दी। तो अभी हम लोग गाड़ी में बैठे, ये खाना निकाल दिया थाली में। ये पॉपकॉर्न है, परमल है, प्याज, लाल मिर्च की चटनी, बस एक खिचड़ी। तो खाते हैं, फिर मिलते हैं आपको डायरेक्टली रोड पे। તો કોઈ જરૂર જ ના પડે, કોઈ હોટલ માં પંખો ના જોયો બોલ। આ છે આમો સંતરા છે, સંતરા નો 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 लेफ्ट जाओगे तो कसोल दिल्ली है, 492 किलोमीटर। तो कसोल भी एक घूमने जैसी जगह है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया जगह है। मैंने कुछ फोटोज और वीडियोस देखे थे, तो भी फ्यूचर में कभी करेंगे और आपको दिखाएंगे अपने चैनल पे। शायद कसोल, क्योंकि आगे तो कोई कट दिख नहीं रहा था।
देसी टर्नल से दोस्तों, क्या टनल बनी है भाई। मंडी जाते टाइम दो टनल्स आती है, तो उसमें से एक जो मैंने आपको पहले दिखाया अभी वो, और दूसरा वाला ये है। तो वो वाला टनल तो पूरा अंधेरे वाला था, हमको गाड़ी की लाइट चालू करनी पड़ती थी। अभी इसमें तो गाड़ी की लाइट भी चालू नहीं करनी पड़ रही है, हेडलाइट। यहाँ पे भी स्पीड लिमिट दिया हुआ है 50। तो दोस्तों, ये आ गया मंडी, और मेरे लेफ्ट साइड जो देख रहे हो आप वो है मंडी का बस स्टैंड। तो हमको अभी स्ट्रेट जाना है चंडीगढ़ के लिए। बाकी आगे राइट में एक पुल था, वहाँ से राइट जाओगे तो पठानकोट, सीधा जाओगे तो चंडीगढ़, जो हमने अभी रास्ता लिया वो वाला। मनाली कुल्लू, वह टाट पत्री जो कही थे, ओहो टाट पत्री से टाट पट्टो से तो दोस्तों, यहाँ मंडी से
सुंदरनगर का जो डिस्टेंस है वो है 21 किलोमीटर। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं चंडीगढ़ के साइड। आया नो छे आई बार होते मारुति सुजुकी अरीना सुंदर नगर 4 140। अभी हमें जाना है चंडीगढ़, सीधा जाएगा तो शिमला, राइट में जाएगा तो चंडीगढ़। 102 किलोमीटर। तो दोस्तों अभी हम लोग जो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ है वो पीछे छोड़ा है और अभी जा रहे हैं चंडीगढ़ की साइड। और यहाँ से जो आनंदपुर साहिब है, आनंदपुर साहिब, वहाँ से चंडीगढ़ का डिस्टेंस था 70 किलोमीटर। तो अभी एक भी पहाड़ दिखेगा नहीं आसपास और पीछे भी अभी दिख नहीं रहा है पहाड़। बस अभी हम नीचे उतर गए पहाड़ों से। ले मारो वायर नहीं सर, मारो वायर काड़ो वायर कोड़ो पड़ जाए, काड़ो वायर मारो खबर नहीं पड़ती कहीं 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 से बैग में से हमारी मारी રાધેન માર્ગ છે। ઇન્ટરનેશનલ એટલે બધી જ ફ્લાઇટો જતી હશે એવું ને? મકાનો પાછા આવી ગયા। अभी हम चंडीगढ़ सिटी क्रॉस कर रहे हैं और अभी जाएंगे अंबाला। बैठ बैठ जाए। अभी हम लोग हैं अम्बाला से जयपुर वाले रोड पे और यहाँ गूगल मैप्स में दिखा रहा है 441 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है 7 आवर्स। और अभी टाइम हुआ है रात के 8:15। तो देखते हैं अभी 1-2 घंटा और गाड़ी चलाएंगे। अभी वैसे तो नींद नहीं आ रही है तो जब भी नींद आएगी तो गाड़ी साइड में रख के सो जाएंगे, तो फिर कुछ ना कुछ सेटिंग करेंगे खटिया के लिए,
जैसे तो पेट्रोल पे फिक्स हो जाएंगे, ऐसे कुछ ना कुछ करेंगे यहाँ पे। जो भी अपडेट होगा वो आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों अभी बज रहे रात के 1:30 और हम लोग हैं सिरोही बहाली टोल प्लाजा पे। आपने जो अभी रूट देखा हुआ था मनाली चंडीगढ़ और अम्बाला, ओके हम यहाँ पे अभी फाइनली आ गए और यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी रख दी है। नींद आ रही थी तो अभी हमको आगे जाना नहीं है और बस अभी यहाँ पे सो जाते हैं। और अंकल को भूख भी लगी है, अंकल ने बोला कि कुछ खा लेते और मैं चाय पी के यहाँ पे सो जाऊँगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आज ये ढाबे पे सोने वाले हैं। इस ढाबे का नाम है ओल्ड चौधरी होटल, बस टोल प्लाजा के पास में ही है। तो मैं दिखाता हूँ हम लोग कहाँ पे सोने वाले हैं आज। और हाँ, टोल प्लाजा वहाँ लिखा है सिरोही बहाली टोल प्लाजा। तो यहाँ पे सारे ट्रक्स खड़े हैं देखो, और वो रही हमारी गाड़ी। मैं यहाँ पे सो जाऊँगा और अंकल लोग खटिया ला के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अंकल बैठे खाना खाने। तो ये वाला होटल है ओल्ड चौधरी होटल। तो अंकल ने मंगवाया है पराठा दाल फ्राई, ठीक है, देख लो जी। हाँ, अंकल के साथ बैठते हैं थोड़ी देर और फिर आएंगे, फिर सो जाएंगे यहाँ पे। ये आज के लिए मेरा खटिया है, तो इस पे तकिया और उड़ने का लगा के सो जाएंगे। तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम लोग हैं सिरोही बहाली टोल प्लाजा पे और अभी बज रहे सुबह के 6। हम जो ट्रिप पे निकले थे और दूसरे सेकेंड नाइट हम जो रुके थे पूरा ओपन स्पेस में, वैसे ही हम यहाँ पे रुके और वैसे ही कुछ एक्सपीरियंस है। तो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा टोल प्लाजा। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं, मेरे घर का यहाँ से डिस्टेंस है करीब 800 किलोमीटर्स। सबसे पहले आएगा जयपुर, जयपुर के बाद आएगा उदयपुर, उदयपुर से हम अपना जो रोड है हाईवे मोडासा गोधरा वाला वो पकड़ लेंगे और पहुँच जाएंगे हमारे घर पे, ठीक है। तो बस ये वीडियो मैं यही पेंट करता हूँ और ये सीरीज़ भी यही पेंट करता हूँ, क्योंकि आगे कुछ होगा नहीं, बस रोड के नज़ारे होंगे। अगर मेरा ये वीडियो और ये पूरी सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी अगले नए ट्रैवल सीरीज़ पे, किसी अगले नए ट्रैवल ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय। मेरा सीटी बजाओ भाई, सीटी तो बजानी पड़ेगी बाबा, सभी जगह। हाँ सभी जगह, तुम्हारे बजाने से भी नहीं बजी हो। हाँ नहीं बजती है, हम भी बहुत ट्राई करते हैं।